14 मार्च 2020 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा उन्नाव का द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव निराला प्रेक्षागृह उन्नाव में प्रातः 10 बजे शुभारंभ हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आदरणीय सुरेश कुमार रावत ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि का स्वागत सभी कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा उन्नाव की कार्यकारिणी के गठन हेतु निर्वाचन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की प्रांतीय प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव द्वारा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 4 पदों पर चुनाव हेतु क्रमशः अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, संप्रेक्षक पद पर नाम मांगे गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर SP सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमेश चंद्र उपाध्याय, जिला मंत्री पद पर महेंद्र सिंह एवं संप्रेक्षक पद हेतु शरीफ का प्रस्ताव आया। सदन द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्ताव न आने के कारण मात्र एक एक प्रत्याशी होने के कारण चुनाव अधिकारी द्वारा उपर्युक्त सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आज के अधिवेशन में प्रमुख रूप से राजेश चौधरी, मंडली मंत्री डॉक्टर अब्दुल तब्बाह, अरविंद कुमार, BS वाजपेयी, संतोष जौहरी, रमेश चंद्र यादव, अवनिंद्र सिंह, अमित कुमार शुक्ला, रामा प्रकाश मिश्रा, अशोक सिंह, अमृत सिंह, वीरेंद्र सिंह, संत कुमार सुमन, JP दीक्षित, गीता सिंह, फुरकान खान, राम नरेश वर्मा, राम कुमार, कार्तिकेय सिंह, अखिलेश तिवारी, नंदकिशोर प्रजापति, अनिल कुमार, अशोक कुमार, श्याम कुमार, जितेंद्र सिंह, जय कुमार, राजेश दीक्षित, पूनम सिंह, अंशु चौरसिया, मधु श्रीवास्तव, शिवचंद्र मिश्रा, अंकित कुमार, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रांतीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार रावत द्वारा दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष NHM संघ डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने की। मंच का संचालन जिला अध्यक्ष SP सिंह ने किया।